हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को हमारी तरफ से आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपना बचपन में क्या करती थी गणेश चतुर्थी में तो जो दस दिन होते हैं Uh, उसमें अलग अलग हर दिन अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रहते थे सोसाइटीज़ में तो जब मैं छोटी थी तब मैं उसमें डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी उसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता था फिर कुछ तो गेम्स होते संगीत कुर्सी वगैरह होते थे तो हर दिन कुछ अलग अलग कॉम्पिटिशन होता था और फिर लास्ट डे हम सबको बहुत सारे हेम्पर्स गिफ्ट वगैरह मिलते थे बचपन में तो वो चीज़ बहुत एक्साइटिंग रहती थी और मुझे वही चीज़ सबसे ज़्यादा याद है मेरे बचपन में गणेश चतुर्थी से रिलेटेड और और विसर्जन तो मैंने अभी अभी देखना स्टार्ट किया है क्योंकि पहले तो कभी मम्मी अलाउड नहीं करती थी ऐसे जाना बट अब जब बड़ी हो गई तो देखती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है इतनी सारी बड़े बड़े टेम्पोज में ट्रक्स में सब लोग जाते हैं जो एक्साइटमेंट रहते हैं लोगों में और कुछ कुछ लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो पापा को बाय बाय कह रहे होते हैं दस दिन बाद ग्यारह दिन बाद वो अटैचमेंट हो जाता है उनके साथ फिर उनको जाने देना भी बुरा लगता है लेकिन वो तो होना ही है तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है और लोगों ने तो अभी स्टार्ट किया है कि मिट्टी के गणपति बनाना तो मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो मिट्टी के गणपति बनाते हैं और उन्हें घर पे ही विसर्जन करते हैं उन्हें एक पौधे में डाल देते हैं उधर एक फ्लावर लगा देते हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है आई विश कि मैं भी कभी ऐसा करूँ और आप सभी को बहुत बहुत अच्छे से आप मतलब सेलिब्रेट कीजिएगा अपना गणेश चतुर्थी और अपने फैमिली के साथ रहिए खूब मिठाइयाँ खाइए और सब अच्छे से कीजिए थैंक यू